आपको लगता है कि आप लोगों को पहचानते हो, पर एक्चुअल में वो पर्सन कैसा है ये कोई भी जान नहीं सकता। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कोरियन मूवी माय फ्रेंड एंड हिज वाइव ये कुछ इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है जेमून, ये अपने फ्रेंड को थैंक यू कह रहा था। फ्रेंड का नाम है येजुन और उसने जेमून और उसकी वाइफ को वैकेशन के लिए एक होटल का रूम बुक कर दिया था। इस गिफ्ट के लिए जेमून उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद क्रेडिट रोल होते हैं और जेमून की वेडिंग हमें दिखाई जाती है। इस वेडिंग पर येजुन भी था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येजुन जेमून और उसकी वाइफ जिसका नाम है जीसू, इन दोनों को इंग्लिश सिखा रहा था। इन हस्बैंड वाइफ को अमेरिका जाना है, वहाँ वो रेस्टोरेंट खोलना है। जाने से पहले इन्हें अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, इसीलिए हेल्प येजुन उन्हें कर रहा था। दोनों हस्बैंड वाइफ येजुन के बहुत ही अच्छे से फ्रेंड्स है। जब येजुन यहाँ से चला गया तो जेसुक अपने हस्बैंड से कहती है मुझे भूख लगी है। जेमून एक शेफ ही है तो घर भरी चिकन बना देता है। जेसुक कहती है कि तुम्हें अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। जेसुक जब खाना खा रही थी तो जेमून उसे ही देख रहा था। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होते होते अचानक से येजुन का जेमून को कॉल आया। जेमून आधी रात में जा रहा है, ये जेसुक को अच्छा नहीं लगता। वो उसे पूछती है कि एक तरफ मैं हूँ और दूसरी तरफ तुम्हारा फ्रेंड, हम दोनों में से कौन इम्पोर्टेंट है। जेमून ने सिर्फ इस पर हंस दिया और वहां से चला गया। येजुन बाहर जाकर बहुत ही ड्रंक हो चुका था, इसलिए अपने फ्रेंड की उसे जरूरत थी। ये दोनों फ्रेंड्स फिर ड्रिंक करते हैं। येजुन कहता है तुम बहुत ही लकी हो, तुम्हें जेसुक जैसी वाइफ मिली है। वो भी वैसे ही गर्लफ्रेंड चाहता है। जब तक उसे वैसी गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं तब तक वो डेट नहीं करेगा। येजुन बहुत ही अकेला है तो जेमून उसे फिर से अगले दिन लंच के लिए बुलाता है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है और जेमून को कॉल आता है। ये कॉल उसके अंकल का था। अमेरिका जाने के लिए जेमून ने उन्हें कुछ पैसे भेजे थे। ये पैसे उसके अंकल तक पहुंचे ही नहीं। ये सब पैसे वहां सेटल करने के लिए थे और जेमून को अब स्कैम किया गया है। जेमून और जेसुक ये दोनों हार्ड वर्किंग होते हैं। जेसुक एक रेस्टोरेंट में काम करता है और जेसुक एक सलून में। इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, सब पैसे अमेरिका जाने के लिए उन्होंने लगा दिए थे। अब इन्हें धोखा दिया गया तो शायद इन्हें रहने के लिए भी घर नहीं बचेगा। ये सब प्रॉब्लम्स वो येजुन को बताते हैं। वो एक स्टॉक ब्रोकर है तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, वो अपने फ्रेंड्स को हेल्प करता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। जेसुक को एक बेबी होता है। येजुन ने जेमून को अपने बेटे के लिए एक नाम सजेस्ट किए थे, वही नाम जेमून अपने बेटे को देता है। ये गुड न्यूज जेमून ने येजुन को देने की कोशिश की पर वो बहुत ही बिजी था। उसके ऑफिस में उसके कुछ काम थे तो कलीग्स को उसे डिनर पर लेकर जाना पड़ा। येमून हमेशा इतना बिजी होता है कि बहुत बहुत दिनों तक जेमून को कॉल भी नहीं करता। जेमून अपने काम से खुश नहीं था, उसे किसी के हाथ के नीचे काम करना अच्छा नहीं लगता था। वो फिर हर रात ड्रिंक कर घर आने लग गया। एक दिन इस बात पर जेसुक और उसका झगड़ा हो जाता है। जेसुक कहती है कि मैं दिन भर बेबी का ख्याल रखती हूँ और तुम हर रात ड्रंक होकर आते हो, तुम्हें क्या लगता है कि घर में सिर्फ तुम काम करते हो। जेमून भी इस पर बहुत ही गुस्सा हो गया था। उसे जेसुक की बात सही लगी, उसने रियलाइज किया कि उसे ड्रिंक नहीं करना चाहिए। अब कुछ दिन गुजर चुके और वो ड्रिंक नहीं करता। एक दिन जेसुक बहुत ही एक्साइटेड थी, उसने घर पर बहुत ही अच्छा सा खाना वगैरह बनाया था। जेमून समझ गया जेसुक को अब कुछ ना कुछ तो चाहिए। वो उसे कह डालता है जो भी पूछना है वो पूछ लो। वो कहती है मुझे पता है कि हमारे पास ज्यादा कुछ पैसे नहीं है पर उसे एक जगह पर सेमिनार के लिए जाना है। ये एक अलग कंट्री में है तो कुछ दिनों के लिए उसे जाना पड़ेगा। जेमून को भी लगता है कि जेसुक बहुत सारा काम करती है, वो एक वैकेशन डिजर्व करती है तो इसलिए उसे वो जाने देता है। इसके बाद ये पूरी फैमिली बाथरूम में खेल रही है। इस फैमिली का बहुत ही ब्यूटीफुल सा मोमेंट दिखाया जाता है। जेसुक सेमिनार के लिए चली गई और जेमून अकेला था तो अपने फ्रेंड येजुन को कॉल करता है। कहता है बहुत दिन हो चुके तुम घर पर नहीं आए, आज तुम शायद बिजी हो पर प्लीज आ जाना। जेमून अपने कलीग्स के साथ डिनर पर जा रहा था तो इसके लिए मना करता है। येजुन हमेशा अपने बॉस की शिवलरी करता रहता है, उसके कलीग को ये अच्छा नहीं लगता। डिनर पर ही कलीग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम करते क्या हो, तुम्हारा ये जो सब नाटक है ये मैं देखूंगा कि कब तक चलेगा। इस बात पर येजुन और उसकी कलीग में झगड़ा हो गया और येजुन यहाँ से चला गया। उसे जेमून ने ड्रिंक्स के लिए बुलाया ही था तो उसके पास आ गया। ये दोनों फ्रेंड्स ड्रिंक कर अपनी पुरानी यादें ताजी करते हैं। ये पहले आर्मी में हुआ करते थे। येजुन हमेशा जेमून का ख्याल रखता था। जेमून की वाइफ ने येजुन को एक टाई गिफ्ट दिया था, यही येजुन ने पहना हुआ है। जेमून ड्रंक है तो उसे पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। येजुन कहता है कुछ भी बात मत करो। येजुन ने अपनी गाड़ी सही से पार्क नहीं की थी तो उसे एक कॉल आया। वो जेमून से कहता है कि प्लीज मेरी गाड़ी पार्क कर कराओ क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक है। जेमून गाड़ी पार्क करने के लिए गया तो येजुन को फिर से एक कॉल आता है। अपने क्लाइंट से वो बात कर रहा था तभी जेमून का बेबी बहुत ही ज्यादा रोने लग गया।
उसके पास जाता है, उसे उठाता है, उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर बेबी ये चुप नहीं हो रहा था। उसने फिर उसे उल्टा लेटा दिया। थोड़ी देर बाद कार पार्क कर कर जेमुन फिर से घर आया। येजुन उसे कहता है कि शायद तुम्हारी बेबी को भूख लगी है। वो रो रहा था। जेमुन बेबी के पास गया तो बेबी कुछ भी मूवमेंट कर नहीं रहा था। उसने नोटिस किया कि वो कोल्ड पड़ चुका है। एक्चुअल में येजुन ने जब बेबी को उल्टा कर दिया था तब बेबी का दम घुटने लग गया, उसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। येजुन इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। येजुन से पूछता है कि तुमने ये क्या किया। ये जो भी सब हुआ वो एक एक्सीडेंट था, वो किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ये दोनों ड्रंक थे और किसी को पता चला कि येजुन में यहाँ था तो बहुत ही बड़ा ट्रबल हो सकता है। जेमुन फिर येजुन को कहता है तुम अब यहाँ से चले जाओ, इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। जेसुक अपनी ट्रिप एंजॉय कर रही थी, वो घर पर कॉल लगाती है तो उसका कॉल कोई भी नहीं उठाता। 5-6 दिनों बाद वो घर पर आई। वो अपनी बेबी को ढूंढती है तो उसे वो कहीं भी नहीं मिला। जेमुन फिर हमें डायरेक्टली प्रिजनर के कपड़ों में दिखता है। पुलिस ने जेमुन पर उसके बेटे को मारने का इल्जाम लगाया है। उसका बेबी डेड था पर फिर भी उसने रिपोर्ट नहीं किया था। जेमुन ने अपने सब कुछ चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए। येजुन उसे जेल में मिलने के लिए आता है। जेमुन उसे कहता है मेरी वाइफ बहुत ही वीक है, वो टफ दिखाने की कोशिश करती है, उसका तुम अच्छे से ख्याल रखना, उसे कुछ भी चीज की जरूरत हो तो उसे हेल्प करना। इसके बाद जेसुक भी उसे मिलने के लिए आई। उसे पूछती है कि हुआ क्या था। जेमुन ने उसे कुछ भी बताया नहीं है। जेमुन कहता है मुझे मिलने के लिए फिर से वापस मत आना। अगले कुछ सीन में हम देखते हैं जेसुक अपना रूटीन कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। एक दिन उसके पास येजुन आया। वो कहता है जेमुन ने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे छोड़े हैं, वो काम करता था तो मेरे पास सेव करने के लिए उसने रखे थे। वो चाहता है कि तुम अमेरिका चली जाओ। जेसुक को हमेशा से जाना था तो जेमुन ने उसकी विश कंप्लीट करने के लिए येजुन से पैसे उसे दिलवाए हैं। जेसुक जेमुन से मिलने के लिए जेल में आए। उसे पूछती है तुम्हें ये करने के लिए किसने कहा था। जेमुन उससे आज भी बात नहीं करता। वो फिर गुस्से में अमेरिका चली गई। अब कुछ साल गुजर चुके हैं। जेमुन जेल से बाहर आ जाता है। जेसुक भी अमेरिका जाकर वापस आ चुकी थी। उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए थे। जेमुन उससे अब मिलना नहीं चाहता। एक दिन जेसुक का येजुन को कॉल आया। येजुन ने कॉल देखकर सरप्राइज था। जेसुक उसे कहती है कि मैंने अपना खुद का एक सलून ओपन किया है, इसकी इनॉग्रेशन के लिए उसने उसे इनवाइट किया। येजुन जब यहाँ पहुंचा तो एक बहुत ही बड़ा सलून था। उसने जेसुक को देखा तो कम्प्लीटली अलग लग रही थी, उसके स्टैंडर्ड सब बदल चुके हैं। वो रात में जेसुक के सलून के बाहर ही रुकता है। वो उसके पास आती है तो पूछता है तुम्हें मैं घर ड्रॉप कर सकता हूँ। वो इसके लिए उसे मना कर देती है, कहती है मुझे वॉक कर जाना है। एक दिन फिर जेसुक खुद ही येजुन के पास आई। उसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी थी तो येसुक और वो ये दोनों मिलकर इस पर काम करते हैं। एक रात फिर से येजुन जेसुक का उसके सलून के बाहर वेट करता है। वो कहता है कि मुझे हेयर कट करने हैं। कटिंग के बाद ये दोनों डिनर के लिए आते हैं। डिनर करते वक्त येजुन के लिप्स के पास कुछ लगा हुआ था। जेसुक जब इसे पोंछ रही थी तो उसके फिंगर्स को लिक कर लेता है। ये दोनों इस मूवमेंट में खो गए थे तभी बाहर से एक आवाज आया। नेक्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि जेमुन इन दोनों को देख रहा था। इसके बाद जेसुक और येजुन ये फिर से डिनर के लिए मिलते हैं। येजुन उसे कहता है कि मुझे प्रमोशन मिल चुका है और वो US में जाकर काम करेगा। वो जेसुक को उसके साथ आने के लिए पूछ रहा था। रात में जेसुक येजुन के बारे में सोचकर फैंटेसाइज कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेमुन और येजुन एक जगह पर मिले हैं। जेमुन कहता है कि अब मुझे जेसुक से मिलना है। येजुन इसके लिए उसे मना कर रहा था। जेमुन अब अपना खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने वाला है तो जेमुन उसे कहता है कि तुम सिर्फ अपने रेस्टोरेंट पर फोकस करो, तुम्हें बाकी चीजों के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन भर जेसुक येजुन को कॉल कर रही थी पर येजुन ने उठाया नहीं। रात में उसे कॉल करती और पूछती है कि तुम दिन भर कहाँ थे। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। कहता है कि मैं काम कर रहा था इसी वजह से उठा नहीं पाया। उसे आज पता चला है कि शायद उसका प्रमोशन फिक्स नहीं है, इसी वजह से वो डिस्टर्ब था तो डायरेक्टली जेसुक के पास आया, उसके साथ इंटीमेट हो गया। अगले दिन ब्रेकफास्ट पर जेसुक उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। येजुन कहता है कि ये शायद अच्छा आइडिया नहीं है। वो कहती है कि तुम ये सब क्या बात कर रहे हो, तुमने मुझसे पूछा था। इस बात पर भी येजुन उस पर चिढ़ गया। आज येजुन का प्रमोशन कन्फर्म हो जाता है। इस बारे में उसने जेसुक को बता दिया। अब ये दोनों मिलकर US जाने वाले हैं, पर इससे पहले जेसुक जेमुन को देखना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि जेमुन अब जेल से वापस आ चुका है। येजुन कहता है कि ये अच्छा आइडिया नहीं है, उसे मिलने के बाद तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगी। जेसुक उसका नहीं मानती और अगले दिन जेमुन से मिलने के लिए आती है। जेमुन आज भी उससे कुछ भी बात नहीं कर रहा था। जेसुक जब जा रही थी तो कहता है कि मैंने ही हमारी बेबी को मार डाला। वो रो रहा था और उसे मैंने टर्न कर दिया था।
इसके बाद जेसुक यहाँ से चली गई। जेमुन जेसुक से बहुत प्यार करता है। जेसुक अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है तो उसे रोकना नहीं चाहता। इस बात से जेसुक बहुत ही अपसेट थी। उसके बेबी के साथ जो भी हुआ इसके बारे में बहुत सोचती है। उसकी डिलीवरी की वीडियो टेप वो देख रही थी, तभी उसे येजुन का कॉल आया। उसे कहती है कि मैं एक हॉरर मूवी देख रही हूँ। उसने उसे पूछा कि उस दिन तुमने मेरे फिंगर क्यों लिख किए थे। उसे अब येजुन पर शक आने लग गया था। उसने रियलाइज किया कि येजुन ने जो भी किया वो एज अ गिल्ट हो सकता है। जेसुक फिर येजुन को रात में उसके सलून में बुलाती है, उसके हाथ पैर बांध देती है, कहती है तुमने जो भी किया पर उसके बाद तुम्हें कन्फेशन कर लेना चाहिए था। तुम्हें क्या लगा कि तुमने अगर मुझे नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा। जेसुक ने येजुन को जो टाई दी थी इसी टाई को जलाकर वो जेमुन को भी जलाने वाली थी। ये सब हो रहा था तभी जेमुन वहां पहुंच गया। वो इसे स्टॉप करने की कोशिश करता है पर पूरे सलून को आग लग चुकी थी। जेमुन जेसुक को बाहर लेकर आया, फिर येजुन को बचाने के लिए फिर से अंदर आता है। येजुन को उसने फ्री किया, फिर येजुन कहता है मुझे यही रहने दो। उसने जो भी किया उसका उसे पछतावा आ रहा है, तो अब यही मरना चाहता था। उसने जेमुन को बाहर निकाल दिया और खुद आग में जल गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जेसुक और जेमुन इन्होंने अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया है। अगर हम इस मूवी में देखें तो येजुन बहुत ही सेल्फिश था। उसने एक्सीडेंटली जेमुन के बेबी को मार दिया, पर इसके बाद उसने जो किया ये बहुत ही गलत था। वो ऑनेस्ट रह सकता था, जेसुक से रिलेशनशिप नहीं बनाता तो सब कुछ ठीक रहता। फाइनली उसने ये सब रियलाइज किया और खुदकुशी कर ली। तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।